गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले श्लोक रामस्य पितृ भक्ति पाठ के पिछले श्लोक से आगे के श्लोक आज आप लोग पढ़ेंगे। पिछले श्लोक 22 श्लोक में आपने पढ़ा था कि कैकेयी ने अपने वो दो वरदान राम को याद दिलाती है और कहती है कि आपको 14 वर्ष तक वन में रहना चाहिए, वन में जाना चाहिए और भरत को इस पृथ्वी पर कौशल दशरथ की इस पृथ्वी पर शासन करना चाहिए। श्लोक नंबर 23। तद प्रियम मित्रघ्नो वचनम मरणोपमं श्रुत्वा च विवथे रामा कैकेयीं चेदं ब्रवीत। कैकेयी के इस प्रकार कहने पर राम कहते हैं, तद अप्रियं मरणोपमं वचनं श्रुत्वा अमित्रघ्ना रामा न विवथे कैकेयीं च इदं अब्रवीत। अमित्रघ्नो शत्रुओं को मारने वाले, अमित्रघ्नो शत्रुओं को मारने वाले, विवथे व्यथित नहीं हुआ, अब्रवीत कहा मरणोपमं मृत्यु के समान। कैकेयी के उन अशुभ और मरने के समान कष्टदायक वचनों को सुनकर तद अप्रिय मित्रघ्नो वचनम मरणोपमं श्रुत्वा न विवथे रामा, रामा श्रुत्वा न विवथे, राम सुनकर व्यथित नहीं हुए। तद प्रियम अमित्रघ्नो उन अशुभ शत्रुओं को मारने वाले, अमित्रघ्नो शत्रुओं को मारने वाले और मरने के समान कष्टदायक, मरणोपमं मरने के समान कष्टदायक वचनम श्रुत्वा रामा न विवथे, वचनों को सुनकर राम व्यथित नहीं हुए। कैकेयीं च इदम् अब्रवीत, इदम् कैकेयीं च अब्रवीत, और यह कैकेयी से बोले। एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुमहं त्ववितः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन्। एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुम अहम त्ववितः, तू इतः तो यहाँ से, अनुपालयन पालन करते हुए, जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् अनुपालयन पालन करते हुए, जटाचीरधरो जटाओं और वल्कल वस्तुओं को धारण करते हुए, राम कैकेयी के वचनों को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं एवमस्तु ऐसा ही हो। वनम गमिष्यामि वन को जाऊंगा, वस्तुम अहम तु इतः इतः यहां से, मैं जटाएं जटाचीर धरो जटाएं और वल्कल वस्त्र धारण करके, जटाचीर धरो जटाएं और चीर धारण करके, राज्ञा प्रतिज्ञाम अनुपालयन, राज्ञा राजा दशरथ की प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए, जटाचीर धारो धरो जटाचीर धारण करके, वनम अहम वनम
इताय यहाँ से आम वनम गमिष्यामि, मैं वन को जाऊंगा, वन को रहने के लिए चला जाऊंगा। ये बात राम ने कैकेयी माता से कहा। श्लोक नंबर 25। आम ही सीताम राज्यम चा प्राणानिष्ठान धनानि चा हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। इष्टान इष्टान इष्ट मित्रों को हृष्टो प्रसन्न हुआ, दद्याम दे सकता हूं, प्रचोदिता प्रेरित किया गया, राम इसके पश्चात आगे कहते हैं कैकेयी से, भवत्या प्रचोदिता, आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा प्रेरित किया गया, प्रचोदिता मने प्रेरित किया गया, मैं अहम सीताम राज्यम, सीता को राज्य को प्राण निष्ठान धनानि चा प्रिय प्राणों को और धनों को, धनानि चा और धनों को भी प्रसन्न होकर के हृष्टो भात हृष्टो प्रसन्न होकर के भ्रात्रे भर्ताय स्वयं दद्याम, भाई भरत को स्वयं दे दूंगा, मैं उनको स्वयं दे सकता हूं। राम कैकेयी माता से कहते हैं, प्रचोदिता आपके द्वारा प्रेरित या तुम्हारे द्वारा प्रेरित किया गया, अहम मैं सीताम राज्यम चा, सीता को राज्य को प्राणानिष्ठान अथा प्राणों को धनानि चा और धन को हृष्टो मने प्रसन्न होता हुआ, भ्रात्रे भर्ताए स्वयं दद्याम, भाई भरत को स्वयं दे सकता हूं। ये बात भरत ने कैकेयी माता से कही कि मैं सब कुछ अपना भरत जी भरत भाई को दे सकता हूँ। श्लोक नंबर 26। नहीं है तो धर्मचरणम किंचिदस्ति महत्तरम यथा पितर शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। शुश्रूषा शुश्रूषा सेवा करना, वचन क्रिया आज्ञा पालन, महतरम बड़ा। राम पिता के प्रति अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, पितर शुश्रूषा तस्य वचन क्रिया वा, न ही यतो धर्मचरणम किंचिदस्ति मात्तरम यथा पितर शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। राम कहते हैं क्योंकि इतो मने यहां इस संसार में धर्माचरण से बढ़कर कुछ नहीं है। यथा पितर शुश्रूषा जैसे पिता की सेवा और उनके अथवा उनके वचनों का पालन करना, इस धर्म से बढ़ करके
कुछ भी नहीं है। एक पुत्र के लिए नहीं इतो धर्मचरणम किंचिदसि किंचिदस्ति मात्रम किंचिदस्ति मात्रम किंचिदस्ति मात्रम किंचिदस्ति ना ना इतो या इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। यथा पितर शुश्रूषा जैसे पिता की सेवा करना अथवा तस्य वचन अथवा उसके वचनों का पालन करना। बच्चों ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है आज। इसमें पाठ के अंतर्गत कुछ संधियां आई हैं जिनको संधि विच्छेद करके हम आपको बताते हैं। जैसे पहला नंबर है पितुश्चरणों, इसका संधि विच्छेद होगा पितु प्लस चरणों। दूसरा है रामेत्य उक्त्वा, राम प्लस इति प्लस उक्त्वा। नृपति दीनः, नृपति प्लस दीनः। कुपितोपि, कुपितो प्लस अपि। एवैनम्, एवं प्लस एनम्। पितुर्वचः, पितु प्लस वचः। नेक्षेयम्, न इक्षेयम्। वाचेदम्, वाच प्लस इदम्। यथान्यः, यथा प्लस अन्यः। पुनस्त्वम्, पुनस्त्वम् अहम्, इसका संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस तू प्लस अहम्। रामस्ताम्, रामः प्लस ताम्। ये हो गया संधि विच्छेद। इसका ये संधियां जो है विस्तृत आपको व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों, बस यहीं पर आपका यह पाठ समाप्त होता है।